नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात तो आज ऑपरेशन लोकतंत्र की होगी, लेकिन पहले स्क्रीन पर तीन खबरें। ये खबरें बताती हैं कि खेल रत्न देने की दिशा में सरकार कैसे बढ़ी। सिंधु, साक्षी, दीपा, जीतू को सभी को खेल रत्न दिया गया है। ब्रजेश पाठक पहले मायावती के साथ थे, अब अमित शाह के साथ आकर खड़े हो गए हैं, जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य निकले। और अमर सिंह गुस्से में है, इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। और इसके पीछे चाचा, भतीजा और इन सब के बीच कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों का जिक्र आज उन्होंने हमारे सहयोगी अशोक सिंघल के इंटरव्यू में किया। लेकिन बहरहाल, बातचीत दस्तक में आज इन सब से इतर उस लोकतंत्र की होगी, जिसे संसदीय राजनीति में माना तो यही जाता है कि चुनाव है, जनता को वोट देने का अधिकार है, वो अपने नुमाइंदे चुनती है और उसके जरिए देश में एक लोकतांत्रिक राजनीति काम करती है। और इसके पीछे चुनाव आयोग किस तरीके से देश में संवैधानिक संस्था होकर सारी चीजों को अनुकूल करता है, जिससे लोगों को लगे कि उनके नुमाइंदे हैं। लेकिन सब कुछ क्या वाकई लगता है ऐसा? आइए एक ऑपरेशन दिखाते हैं। ये ऑपरेशन लोकतंत्र ही है। ये उल्लास, ये उत्साह किसी उत्सव से कम नहीं। यूं भी भारत तो उत्सवों का देश है, तो फिर देश की बेटी ने जब दुनिया के मंच पर जीत दर्ज की, पहचान बनाई, तो उत्साह ही सही। लेकिन माहौल उत्सव में तो बदला ही जा सकता है। तो सिंधु के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे से लेकर स्टेडियम तक का नजारा और दीपा कर्माकर का अगरतला पहुंचने तक का नजारा भी किसी उत्सव से कम नहीं। और अब साक्षी का इंतजार है कि वो रोहतक पहुंचे, तो फिर उत्साह मने। लेकिन इस उत्साह ने देश के सामने कई सवाल तो खड़े कर ही दिए। मसलन, जीतने पर करोड़ों बांटे जाए, लेकिन खेल पर करोड़ों खर्च कर खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं किया जाए? खिलाड़ी की सफलता को समेटने की होड़ में राजनीति खेल को पीछे छोड़ क्यों देती है? और मेडल पाने वाले खिलाड़ी की जाति पर ही राजनेताओं का ध्यान क्यों रहता है? और तो और, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के राज्य की राजनीति खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा उस खिलाड़ी को लाभ पहुंचाने देने की होड़ में ही क्यों लग जाती है? यानी खेल खिलाड़ी कैसे बढ़े, इस पर नजरें कम, और खेल में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वालों से कैसे अपनी सियासत साधी जाए, इस पर नजरें ज्यादा। कैसे खेल के प्रति कोई ध्यान न दे, इसे छुपा दिया जाए, और कैसे अब मेडल जीतने वालों के जरिए मुनाफा बना लिया जाए, इस पर नजरें और ज्यादा। यानी आम जनता के इस उल्लास, उत्साह, खुशी का ये मतलब कतई नहीं कि अब देश में खेल के मैदानों पर जोर होगा, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर होगा। दरअसल ये सब कुछ मुनाफे का देसी गणित है, जिसमें खेल को लेकर जन भावनाओं को अपने मुनाफे में कौन कैसे बदले, होड़ इसी की शुरू हो चली। कॉरपोरेट अपने अपने एकेडमी से जोड़ने के लिए इन खिलाड़ियों को लपकने के लिए तैयार है। राज्य सरकारें इन्हीं खिलाड़ियों के आश्रय खेल भावना को उभार कर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहती है। जाति की राजनीति पर टिके राजनेता अपनी जाति के वर्चस्व को उभारने के लिए इन खिलाड़ियों की जाति टटोलने में लगे हैं। और इसके लिए कोई करोड़ों की रकम भी दे रहा है, कोई घर भी दे रहा है, कोई जमीन भी दे रहा है, कोई पद पर प्रमोशन भी दे रहा है, कोई सम्मान भी बांट रहा है। These are not the most important thing. Most important thing is this actually. We shall have to provide infrastructure, facilities. But I must tell you, our kit is very, very small. यानी रियो ओलंपिक के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कौन सी तैयारी देश में खेलों को लेकर होगी, इसे कोई नहीं जानता। यानी अपने बूते कोई खिलाड़ी फिर निकलेगा, फिर मेडल जीतेगा, देश में फिर उत्सव मनेगा, फिर करोड़ों लुटाए जाएंगे, लेकिन देश के भीतर कोई खेलना चाहे तो कैसे खेले, ये अपने आप में लाख टके का सवाल ही बना रह जाएगा। आप सोच रहे होंगे, जिक्र तो ऑपरेशन लोकतंत्र का था, ये खेल कहां से आ गया? दरअसल खेल लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन मिजाज है। और इस सवाल को सबसे पहले आज इसलिए उठाया गया क्योंकि टीमें वापस आ रही है, साक्षी भी पहुंचेगी और रोहतक जग जश्न भी मनेगा। और एक सवाल कोई नहीं समझ पा रहा है कि हर राज्य करोड़ों रुपए बांटने पर आमदा है, लेकिन करोड़ रुपए देकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा क्यों नहीं करता है? बात इस पर होगी, लेकिन आइए अब उस मिजाज में जिसमें लोकतंत्र का नाम इस देश में चुनाव के साथ जुड़ जाता है। और चुनाव का मतलब होता है लोकतंत्र, और उसी का ऑपरेशन हुआ है आज तक के जरिए। डमी कैंडिडेट को 10 लाख रुपए दे दो। दस से 12 करोड़ रुपए कम से कम इसमें खर्चे में आएंगे। हम प्रत्याशी देंगे,
वो लड़ेगा क्योंकि इतना कमजोर रहेगा, जीत ही नहीं पाएगा। चुनाव आपका कुछ नहीं कर। जी ये करोड़ों के वारे न्यारे यूपी चुनाव को लेकर है, जीतने के लिए नहीं बल्कि चुनाव के वक्त डमी कैंडिडेट उतार कर किसी को जिताने के लिए तो किसी को हराने के लिए। यानी कहीं जाति कहीं धर्म तो कहीं मिलता जुलता नाम, और वोटर इसी में फंस जाए। लेकिन चुनावी दौर में 28 लाख से 50 लाख की ऑफिशियल कमाई तो हो ही जाए। लड़ाई अगर एक वोट की होगी तो फिर कमाई प्रति कैंडिडेट करोड़ों में भी जा सकती है। ठीक सुना आपने, ये वसी अहमद है। वसी अहमद यानी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय संयोजक। पार्टी का गठन सालों पहले हुआ, लेकिन जब कमाई डमी कैंडिडेट में होने लगी तो चुनाव आयोग से पार्टी का ठप्पा लेकर जनता को चूना लगाने का लोकतांत्रिक खेल शुरू हो गया। तो लोकतंत्र के नाम पर वसी अहमद के पास एक नहीं कई पार्टियां हैं, और जब हमने वसी अहमद से डमी कैंडिडेट के फायदे पूछे तो फिर एक नहीं कई फायदे भी गिनवा दिए। थोड़ा सा मुझे तो मेरी जानकारी के मुझे बता दो, डमी के फायदे क्या क्या होते हैं? डमी के फायदे ये होते हैं कि डमी की गाड़ियां लग जाती हैं, डमी के आदमी को सिक्योरिटी मिल जाती है, वर्कर वो उन्हीं का होता है, सिक्योरिटी गाड़ियां लेके उस बजट से कि कुछ कैंडिडेट ने खर्चा इधर दिखाया कुछ उसका दिखाया। अच्छा, तो चुनाव आयोग ने जो 28 लाख रुपए प्रचार की सीमा तय कर रखी है वो काले से सफेद हो जाती है और कमाई का हिस्सा बन जाती है, और ये रकम डमी बनकर अपने हिस्से में जाकर सौदेबाजी करने वालों को लाभ पहुंचा देती है। यानी 28 लाख की कमाई, चुनाव आयोग का स्टिकर लगे कैंपेनिंग के लिए चार गाड़ियां, एक बूथ एजेंट और एक काउंटिंग एजेंट। मसला इतना पर नहीं है, दरअसल इस ऑपरेशन में कई और राजनीतिक दल हैं। उस पर आए उससे पहले जरा एक स्थिति आपको बतलाते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में खेल कितने का होता है। करोड़ों का नहीं, अरबों का होता है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। जी ये रकम 8 अरब 80 करोड़ है, यानी चुनाव आयोग की खींची खर्च सीमा रेखा के तहत अगर यूपी में चुनाव होते हैं तो इतने खर्च तो होंगे ही, क्योंकि एक उम्मीदवार के खाते में तकरीबन 28 लाख खर्च करने ही होते हैं, और हर सीट पर अगर 10 कैंडिडेट होंगे तो यही रकम ऑफिशियली है। ऑफिशियली का मतलब है कि 8 अरब 80 करोड़ वाइट। लेकिन 2012 के यूपी चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उम्मीदवारों के औसतन 50 लाख खर्च तो हो ही जाते हैं, और कई जगहों पर 1 करोड़ से ज्यादा एक सीट पर एक उम्मीदवार खर्च कर देता है। कुछ बांटना होता है, कुछ लुटाना होता है, और इन सब के बीच अपने अनुकूल बहुत सारी चीजें मैनेज भी करनी होती है। तो क्या वाकई 28 लाख में चुनाव हो सकता है? 2015 में ही 15 अरब से ज्यादा खर्च यूपी चुनाव में हो गया, और इस बार चुनाव तो नाक का सवाल माना जा रहा है। हर पार्टी में सेंध लग रही है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य तो ब्रजेश पाठक, बीएसपी यानी मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। आने वाले वक्त में क्या क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस भीड़ में करोड़ों के व्यारे न्यारे जिस तरीके से डमी कैंडिडेट और डमी पार्टी के तौर पर हो रहे हैं, वो ऑपरेशन डेमोक्रेसी के तहत खुलकर अब सामने भी आ रहे हैं और शायद सुनने वालों के होश फाकता भी कर रहे हैं। ये पूरा 1 करोड़ पार्टी में शो करोगे? नहीं, पार्टी में शो करूंगा। कैसे कैसे करूंगा? अपने हिसाब से। अच्छा, देखिए इतनी बड़ी रकम आप छुपा नहीं सकते। अगर इनर सर्कल में आप इसको लेकर ही आएंगे, 1 करोड़ कैश होगा या कैश? पूरा ब्लैक। यानी चुनावी लोकतंत्र का मतलब अगर कमाई है तो फिर 2016 में चुनावी खर्च 50 अरब पार कर सकता है। यानी ये सवाल बेमानी कि इस तरह के महंगे लोकतंत्र का मतलब है क्या। दरअसल ये महंगा लोकतंत्र नहीं, ये कमाई है, और इस दौड़ में कोई ईमानदार अगर दौड़ना चाहे तो फिसल जाएगा। अगर पैसे से कमजोर होगा तो फिर धराशायी हो जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ने की सोचना ही शायद इस दौर में मुश्किल हो चला है। क्योंकि चुनाव को भी धंधा बनाने वालों की कतार बेहद लंबी है, और उस बेहद लंबी कतार में खड़ा हर शख्स कहता है ये सब तो बेहद सामान्य बातें हैं। जो अपनी पार्टी झंडा लगाएगा, आपको पार्टी झंडा नहीं लगाएगा, अपना पोस्टर लगाएगा, अपने अपने नाम पर पास लेगा गाड़ी का, वो स्वयं घूमेगा,
अब घूमते समय समाज बैठ करके क्या बातें कहा वो आपकी बात कह देगा, लेकिन चलेगा तो प्रत्याशी को अपने पार्टी का। तो यही तो बात कह रहे हैं, प्रचार करने का प्रचार करेगा। तो देश की इकोनॉमी चुनाव के वक्त कैसे चुनाव में शामिल हर किसी के लिए आय बढ़ा देती है और कैसे 45 दिनों के प्रचार के खेल में यूपी जैसे राज्य में इतना पैसा बहाया जाता है जो कि राज्य के सालाना बजट पर भारी पड़ जाए। और शायद वजह भी यही, चुनावी लोकतंत्र के नाम पर देश में बीते 6 बरस में 700 से ज्यादा राजनीतिक दल बन गए और ये दल कहीं बिहार में, कहीं गुजरात में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं पंजाब में, हर जगह नजर आ रहे हैं। क्योंकि देश में याद कीजिए तो 2009-10 में कुल राजनीतिक दलों की संख्या 1162 थी और 2014-15 में ये बढ़कर 1866 हो गई। तो ऐसे में चुनावी लोकतंत्र का नाम क्या दें, ये अपने आप में सवाल है और ये सवाल का जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। सवाल यही है, जो राजनीतिक दल बनाकर इस तरीके से डमी कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग उनकी मान्यता रद्द कर देगा? देखिए उसका दूसरा हिस्सा। जो खर्च डमी कैंडिडेट के खाते में जाता है उसकी सारी सुविधाएं पैसा देने वाला कैंडिडेट उठा ले जाता है। ऐसा ही खेल ये जनाब भी करते हैं, स्वराष्ट्र जन पार्टी के अध्यक्ष राजेश भारतीय जी। उधर स्वराष्ट्र और इधर भारतीय, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की ये पार्टी 2011 में चुनाव आयोग से रजिस्टर हुई। राजेश भारतीय ने साफ कहा वो हमें अपनी पार्टी से ऐसा डमी कैंडिडेट देंगे जो कमजोर तो होगा लेकिन चुनाव इतनी मजबूती से लड़ेगा कि हमारे कैंडिडेट की जीत में पूरी मदद मिल जाए। हम प्रत्याशी देंगे, वो लड़ेगा क्योंकि इतना कमजोर रहेगा, जीत नहीं पाएगा। हाँ, ऐसा लड़ेगा उससे कोई जीत जाएगा, कोई फायदा हो जाएगा। ये भी तो एक सपोर्ट है, किसी ने जिता दिया, मैंने जीता कर मैं जीत गया। और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात यूपी के एक और राजनीतिक दल से हो गई और उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ने जो कहा यह भी सुन लीजिए। हर तरह की प्लानिंग है आपने के पास? मैं देखिए दो चीजें हैं आजकल के दौर में, अब जो माहौल चल रहा हो, सबसे पहले तो आप पैसे से कुछ खरीद सकते हैं, दूसरी बात यह आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बात उसके दिमाग में आप किस तरह से बिठानी है कि वो आपकी बात मान ले। हालांकि शारिक उस्मानी ने 20 कैंडिडेट का जो खर्च बताया उसने हमें चौंकाया जरूर। देखिए कम से कम 10 से 20 कैंडिडेट हो गए, 10 से 12 करोड़ रुपये तो कम से कम इसमें खर्चे में आएंगे 20 कैंडिडेट में। कम से कम कितना? कम से कम 10 करोड़ मान के चले गया, 10 लाख 10 करोड़। तो यूपी की ही भारत रक्षक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट तो खुद भी हमारे लिए लड़ने को तैयार थे और उन्हें अपनी करतूतों पर इतना भरोसा कि ये कहने से नहीं चुके कि डमी कैंडिडेट को लेकर चुनाव आयोग उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। डमी कैंडिडेट वाली बात कहीं खुल ना जाए चुनाव आयोग के सामने, इसका ध्यान रखिए। देखिए चुनाव आयोग आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है? चुनाव आयोग क्यों इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमने राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमने घोषित किया है हमारा प्रत्याशी प्रचार कर रहा है या हमारा प्रत्याशी गायब है, इससे चुनाव आयोग को क्या लेना देना। तो चुनाव आयोग कितने भी नियम कायदे बना ले उसकी काट नहीं बल्कि उसके समानांतर एक मोटी लकीर डमी कैंडिडेट के नाम पर ठप्पा लगे पार्टियों ने खींच रखी और राजनीति का यही नायाब सच है जिसकी वानगी आने वाले वक्त में यूपी चुनाव में दिखाई भी दे जाएगी, बस इंतजार कीजिए। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, दिल्ली आज तक। तो इंतजार कीजिए चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, चाहे वो अपना देश पार्टी हो, भारत रक्षक क्रांति पार्टी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी हो। फेरिस्त खासी लंबी है, क्या इनकी मान्यता रद्द होगी? लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से आता है, क्या वाकई चुनाव के जरिए राजनीतिक रास्ता निकल आता है, समाधान हो जाता है, लोकतंत्र आ जाता है? तो चलिए आपको लिए चलते हैं कश्मीर। ये तस्वीरें घाटी की है, नवंबर दिसंबर 2014 की तस्वीरें। लंबी लंबी कतारें वोट डालने के लिए और पहली बार जब बड़ी तादाद में कश्मीरी वोट डालने के लिए निकले तो माना यही गया कि घाटी की रगों में भी अब चुनावी जमहूरियत बहने लगी है और उस वक्त आवाज विकास की ही उठी। हम उस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं जो हमारे लिए कुछ काम करे, जो डेवलपमेंट लीडर होना चाहे उसी को हम वोट देंगे, वो हमें पता है हम किसको वोट दे रहे हैं।
लेकिन 20 महीने बाद आज दिल्ली में जब प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर के तमाम पार्टियों के नेता बैठे तो कश्मीर की त्रासदी के साथ हर आवाज यही उठी कि कश्मीर को राजनीतिक समाधान चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो एक सियासी मसला है, वक्तन फवक्तन इस तरह के हालात बन जाते हैं, लेकिन अगर सियासी तौर इनका हल खोज के निकाला नहीं जाता तो बार बार हमसे यही गलती होगी, यही छूट होगी। वजीर आजम साहब ने भी अपनी जगह इस चीज़ को तस्लीम किया है कि सिर्फ डेवलपमेंट में ही इन मसलों का हल नहीं है। तो क्या कश्मीर में 20 महीने पहले हुए चुनाव फेल हो गए? क्या कश्मीर में विकास का एजेंडा फेल हो गया? क्या चुनावी राजनीति का लोकतंत्र असरकारक नहीं है और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला को अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आना पड़ता है और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने के लिए जम्मू जाना पड़ता है? हर चीज का जमहूरी निजाम में बातचीत से हल होता है। मैंने पहले भी बोला, जो चीज बंदूक से हल नहीं हुई वो पत्थर से भी हल नहीं हो सकती। हर चीज का हल संदूक है, इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है। तो क्या वादी की गर्माहट को सियासत भी अब ठंडा करने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि 45 दिन से घाटी में स्कूल, कॉलेज, दुकान, दफ्तर सब कुछ बंद है और ऐसे में सीएम सिर्फ ये गुहार लगा रही है कि जनता उनके साथ खड़ी रहे तो रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। हम मिलके इस जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से, इस मुसीबत से इकट्ठे निकालेंगे। मगर अगर आप लोग कमजोर पड़ गए, अगर आप लोगों ने अपना हाथ मेरे पीछे से खींच लिया, फिर मैं कामयाब नहीं हो सकती। मैं बंदूक का मुकाबला कर सकती हूँ, मैं पत्थर का मुकाबला कर सकती हूँ, मैं हर चीज का मुकाबला कर सकती हूँ, मगर तभी जब आप लोग पीछे से हमारे साथ रहेंगे। तो क्या ये संकेत है कि घाटी में अब सरकार के हाथों से डोर छूट चुकी है, या फिर पहली बार दिल्ली ही नहीं बल्कि वादी के सियासतदानों के हाथों से भी घाटी के हालात फिसल चुके हैं? तो घाटी में लाल चौक, और एक वक्त ऐसा जब वहां नेहरू पहुंचे रैली करने के लिए, एक वक्त ऐसा जब महात्मा गांधी पहुंचे, एक वक्त ऐसा जहां पे जम्मू कश्मीर का झंडा शेख अब्दुल्ला लहराया, उसके बाद सियासत की डोर उन्होंने थाम ली, और एक वक्त ऐसा जब तिरंगा फहराने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी पहुंचे और उनके साथ अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब थे। जरा रिपोर्ट देखिए। ये लाल चौक है, घाटी के संघर्ष और सत्ता का प्रतीक लाल चौक। यहाँ कभी नेहरू ने सभा की थी और 24 बरस पहले इसी लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी तिरंगा जब फहराने पहुंचे थे तो साथ में नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। पिछले 1.5 महीने से लगातार यहाँ पर एक भी दुकान 1 मिनट के लिए भी नहीं खुली है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मुख्य चौराहा है इस पर इस तरह की तार है क्योंकि कोई गाड़ी या वाहन यहाँ से ना चले, लेकिन अगर पैदल चलने वालों की बात की जाए तो कोई इक्का दुक्का ही पिछले 45 दिन में इस श्रीनगर के सबसे व्यस्त लाल चौक में चलते फिरते नजर आया। और इस सन्नाटे को सिर्फ सेना के जवानों की मौजूदगी ही तोड़ती है जो मुश्किल हालातों में भी डटी हुई है। आपको क्या आदेश है, क्या काम करना रहता है आपका? अभी आदेश हमारा भी जहाँ अभी बनता है, अभी पथराव पथरो हो रहा है, जामन चैन हो, पथराव ना करे जहाँ कोई है, हम पब्लिक कोई तंग ना करे कोई। अच्छा। हाँ, और जो पथराव वाले वो लड़के कभी की बात है, पत्थर मार के चले जाते हैं। 15 दिन में आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ जहाँ पर आप पर पत्थरबाजी हुई? हाँ, पत्थरबाजी होती रही। फिर आपने यहाँ से किस तरह का एक्शन लिया? रात को पत्थरबाजी होती है, कभी दिन में भी हो जाती है। तो फिर यहाँ से आप किस हथियार से, आपके हाथ में जो हथियार है ये कौन सा, ये गन है या पैलेट गन है? ये गन से फायर को नहीं, हमारे को आदेश दिया जैसे पत्थर पुत्र होता है तो उनको खदाड़ना, यदि नहीं मानते फिर गैस सेल छोड़ते हैं। अच्छा, गैस गन छोड़ते हैं जो हाँसू गैस है। आप मुझे ये बताइए, दिन में अगर आपको जरूरत पड़ती है चाय की या सिगरेट की या किसी चीज की, जो भी कोई चीज है, या पानी की, तो मिलता है आपको? पानी हम अपना खुद भी लेके आते हैं, वैसे हमारे पास पानी रहता है पीने के लिए। हाँ। नाश्ता हम अपना लेके आते हैं, पैक लंच साथ लेके आते। तो अगर आप दिल करे कि बाजार से कुछ खरीदें तो मिलता है कहीं? दुकान तो अभी तो बिल्कुल बंद ही रहती है, हम तो बंद दुकान, हमारे को जो जरूरत का सामान हम खुद लेके आते हैं। और इस सन्नाटे और ठहरे कश्मीर में जिनकी मुश्किलें थम नहीं रही, उनकी जरूरतें उन्हें कर्फ्यू के बीच भी सड़क पर ले ही आती है। आपको
आपको क्या करना था बैंक पे? पैसा निकालना है। तो अभी कितने दिन के बाद आप आए, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर पैसा लेने के लिए? पेंशन है आपका? पेंशन है? पेंशन थोड़ा दिखाइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जीको मोहन। सुबह 6 बजे निकला हूँ, इसलिए पहुँच पाए यहाँ, वरना मुश्किल है। तो आपको लगता है काम आपका हो जाएगा? बैंक में क्या पैसा निकालना है? नहीं, पैसे ट्रांसफर करेंगे या ड्राफ्ट में? हम ड्राफ्ट कहाँ पर पढ़ते हैं? अच्छा, पैसे ट्रांसफर कर, फीस नहीं देते। कश्मीर में लगातार 45 दिन से जारी तनाव के बीच जनप्रतिनिधि कश्मीर में लोगों के बीच गायब हैं। सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती जम्मू में संबोधित लोगों को कर रही है, वहीं पर विपक्ष के सभी नेता दिल्ली में कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और अलगाववादी नेता या तो घरों में या तो फिर जेलों में नजरबंद है। कैमरा मैन रूफ अहमद के साथ अशरफानी, श्रीनगर आज तक। बहुत तेरे सवाल हैं, लेकिन दस्तक के आखिर में एक गीत सुनते चलिए अपनी पसंद का।